सुप्रभात एवं जय हिंद सभी को। आज हम इस योग की अगली कड़ी में फिर से एक नए आसन के साथ प्रस्तुत हैं वार्म अप से। तो चलिए शुरू करते हैं वार्म अप। और जैसा कि हम अपने वार्म अप की शुरुआत हमेशा रनिंग से करते हैं, तो हम रनिंग करेंगे पहले। उसके लिए आप पहले मैट पे आ जाएं और हम अपनी जगह पे रनिंग करेंगे। रनिंग आप अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं, तेज या फिर धीमा। और रनिंग के बाद अपने पैरों को आराम देते हुए हम अपने दोनों पैरों को सामान्य अवस्था में रखते हुए कमर से झुकेंगे और अपने हाथों से अपने पैर के पंजों को स्पर्श करने का प्रयास करेंगे। जितना हो सके आप उतना ही झुकें। फिर उसी अवस्था में हमें वापस आना है, तो हम धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। अपनी सांसों को सामान्य अवस्था में रखना है। अब दोनों पैरों को हमें फैलाना है और अब हम कमर से फिर से झुकेंगे और दोनों हाथों को अपने एंकल के यहाँ ले जाने का प्रयास करेंगे। अगर आप एंकल को पकड़ सकते हैं तो वो अच्छा रहेगा। और वापस हम सीधे आ जाएंगे। इससे हमारी कमर में खिंचाव महसूस होगा। अब हम सामान्य स्थिति में वापस आ जाएंगे। अब हम अपने दाहिने पैर को उठाएंगे और संतुलन बनाना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए नज़र आप सामने रखें और दाहिने घुटने को चेस्ट पे लगाने का प्रयत्न करेंगे। अब हम यही प्रक्रिया दूसरे पैर से करेंगे। उसके लिए बाएं पैर को दोनों पैरों के संतुलन बनाते हुए अपने हाथों से बाएं घुटने को चेस्ट पे ले आने का प्रयत्न करेंगे। ये आप कई बार दोहरा सकते हैं। इसके बाद हम अपने हाथों को ऊपर सीध की दिशा में एकदम ले जाएंगे। दोनों हाथों को ऊपर हवा में कंधों के सीध में ले जाते हुए पीछे की ओर झुकते हुए नीचे अपने हाथों को वापस ले आएंगे। अब हम दोनों पैरों को थोड़ा फैलाएंगे और अपने हाथों को इस प्रकार से जोड़ के दोनों हाथों को पूरी तरह से खोलने का प्रयत्न करेंगे। यह प्रक्रिया भी आप कई बार दोहरा सकते हैं। अब सामान्य अवस्था में हम आ जाएंगे। दोनों पैरों को पास लाते हुए दाहिनी ओर झुकने का प्रयत्न करेंगे। हाथों को सटाए रखें अपने दोनों साइड, एक बार दाहिनी तरफ और फिर बाईं तरफ। ये प्रक्रिया हम करेंगे, फिर दाईं तथा फिर बाएं। इससे आपको अपने कमर की तरफ खिंचाव महसूस होगा। अब अपने सर को आगे पीछे और गोलाई में इस प्रकार से हम घुमाएंगे।
और इस प्रकार से हम अपने गर्दन की भी एक्सरसाइज करेंगे। अष्टांग नमस्कार। इस योगासन को करते समय शरीर के कुल 8 अंग भूमि का स्पर्श करते हैं, इसलिए इस आसन को अष्टांग या 8 अंगों से किया जाने वाला नमस्कार भी कहा जाता है। इस आसन को सूर्य नमस्कार में भी किया जाता है। ये आसन भुजंगासन करने से ठीक पहले किया जाता है। संस्कृत भाषा में अष्ट शब्द का अर्थ 8 होता है, जबकि अंग शब्द का अर्थ शरीर के हिस्से से है। अष्टांग नमस्कार आसन में शरीर के 8 अंग फर्श के संपर्क में होते हैं। इन अंगों में पैर, 2 घुटने, 2 हाथ, सीना या चेस्ट और थोड़ी शामिल है। तो चलिए आज शुरू करते हैं अष्टांग नमस्कार। अगर आप इस आसन को सूर्य नमस्कार से अलग करना चाहते हैं तो वज्रासन में बैठें, अपने हाथों को जमीन पर रखें और तब तक आगे बढ़ें जब तक कि बाहें पूरी तरह से जमीन पर ना आ जाएं। अब आप अपने पैरों के पिछले हिस्से को जमीन से ऊपर उठाएं और सुनिश्चित करें कि वे पैर की उंगलियां जमीन पर हों। अब शरीर का वजन संभालने के लिए शरीर के बॉडी पार्ट्स जैसे पैरों, घुटनों, छाती और ठुड्डी और हाथों की जमीन पर होंगे। यह कुल 8 भाग हैं। अब पेट को जमीन से ऊपर उठाया जाता है। कुछ देर तक इसी पोजीशन में रहें और धीरे धीरे पहले की अवस्था में आ जाएं। अन्य आसनों की तरह अष्टांग आसन के भी बहुत सारे फायदे हैं। यह आसन पीठ को स्वस्थ करने के लिए लाभदायक है। अष्टांग नमस्कार छाती को खोलने में मदद करता है। इस तरह से फेफड़े से संबंधित बीमारियों को रोकने में मददगार है। इसका अभ्यास हाथ को मजबूती प्रदान करता है और साथ ही साथ आर्म बैलेंसिंग में अहम रोल अदा करता है। चूँकि यह अभ्यास सूर्य नमस्कार का एक हिस्सा है, इसका नियमित रूप से अभ्यास करने से आप पेट की चर्बी तो कम कर सकते हैं, यह पैर की उंगलियों को भी मजबूती देता है। इसके अभ्यास से पाचन में भी सुधार आता है। तो आशा करते हैं कि अन्य आसनों की तरह आप इस आसन को भी अपनी दिनचर्या में शामिल करेंगे। तो अब हम मिलेंगे अगले रविवार को इसी समय। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।